आइको नियो 6 आपको बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। ये फोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये पहला फोन होगा नियो सीरीज का जो इंडिया में आइको लॉन्च करेगा। एंड ये एक फ्लैगशिप फोन है, आपको बहुत तगड़ी स्पेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो प्राइस पॉइंट पे ये फोन एक्सपेक्टेड है ना, इस फोन को ये एक बहुत तगड़ा ऑफर बना देता है। प्राइस के बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन की डिस्प्ले से। यहाँ पे आपको मिलेगी 6.62 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे आपको मिलेगा 360 हर्ट्ज का, और जहाँ पे पीक ब्राइटनेस होने वाली है वो होगी 1300 निट्स की। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत पंची कलर्स, बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स, एंड स्पेशली गेमर्स के लिए फोन है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी है। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1, एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आई नो हीटिंग इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज करती है, क्या क्या चीजें यूज करती है उसको कंट्रोल करने की। तो ये चीज तभी टेस्ट हो पाएगी जब फोन एक्चुअल में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि कितना हीट कर रहा है कितना हीट नहीं कर रहा है, वो चीजें बात की हैं। बट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको बहुत तगड़ी मिलने वाली है, स्पेशली गेमर्स जो है उनको बहुत मजा आएगा इस फोन पे। बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 4700 mAh की बैटरी, उसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 80W का फास्ट चार्जर। कैमरास की तरफ चले तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, रियर साइड में 64 MP का प्राइमरी सेंसर, 12 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर, एंड 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर यहाँ पे मिलेगा। प्राइमरी सेंसर में आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, तो आप अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे, स्मूथ वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। और ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे 12 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आजकल आपको 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर देती है। अच्छी बात है कि थोड़ा सा बंप अप किया गया है सेंसर को, एक अच्छा सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता, तो आप अच्छी फोटोस अच्छी वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो 16 MP का सेल्फी शूटर है, अगेन डिसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यस यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के सेंसर्स देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का भी फीचर मिलेगा, जो भी आप यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अप टू 12 GB ऑफ रैम देखने को मिलेगी और 256 GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिलेगा। स्टोरेज टाइप जो होगा यहाँ पे वो होगा UFS 3.1, रैम टाइप जो यहाँ पे होने वाली है वो होगी LPDDR5, अगेन फ्लैगशिप लेवल की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात करें मेन चीज की, किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये फोन 30,000 से 35,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च होगा, और 35,000 के नीचे अगर ये फोन लॉन्च होता है तो भाई एक बहुत तगड़ी डील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें फ्लैगशिप लेवल की मिल रही हैं। तो जिनको भी एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस चाहिए, ये फोन का वेट आप डेफिनेटली कर सकते हो। मई के एंड तक या तो ये फोन लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो आपको जून में ये फोन डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये फोन कैसा लग रहा है, कैसे इसकी सारी स्पेक्स लग रही है। और मुझे पर्सनली ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये पहला नियो सीरीज का फोन होगा IQ की तरफ से जो इंडिया में लॉन्च होगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।